टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा, अभी फिलहाल रानू सब्जी वब्जी ले रही है और साथ में हमारे ये सब है, इनसे सबसे बाद में आप लोगों को मिलाऊंगा। तो अभी तो ये सब्जी वब्जी ले रही है गांव जाने के लिए, और फिलहाल डेयरी पे चलते हैं और वो ले लेते हैं क्या नाम से पनीर है, तो सब्जी वब्जी बनाएंगे। ले ली पनीर और दही वगैरह ले लिया, और अभी रानू अभी भी सब्जी खरीद रही है क्योंकि अभी तक उसका सब्जी का जो भी है लेना देना नहीं हुआ। होगी ले ली, हाँ ठीक है, पैसे पे कर दिए, और ये लवी है बाद में मिलवाऊंगा। तो चलते हैं जल्दी से और फिर मिलते हैं आप लोगों से रास्ते पे, ले आ जा। हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरएस जारवाल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों को बैकग्राउंड दिख ही रहा होगा और थंबनेल टाइटल से पता लग गया होगा, ये फिलहाल हम जा रहे हैं गांव और अभी रास्ते पे रुके क्योंकि सब्जी वब्जी लेके बूंदी से यहाँ पे आगे रास्ते में रुके और अभी पानी वानी पी रहे क्योंकि प्यास व्यास लगने लगी है। हमारे साथ छोटी बच्ची है तो लवी को प्यास लग रही है, तो रानू अभी पानी पिला रही है, मैं भी पी लेता हूँ और चलते हैं गाँव पे। और आप लोगों को बता दूं कि लवी जो गांव है ना, गांव में लवी फर्स्ट बार जा रही है और गुनगुन भी फर्स्ट बार जा रही है, और फिलहाल जो कि इसकी दीदी है रानू और मेरी घर वाली, तो इसके ससुराल भी ये लोग फर्स्ट बार जा रहे हैं। तो चलते हैं गांव, जल्दी से पानी वानी पी लेते हैं और इनको लेके चलते हैं। हाँ मेरे को पानी पीना है, तो जल्दी से इनको लेके चलते हैं गाँव। होता मेकअप तो अच्छी लग रही है, ऐड क्या लाओ पानी पिलाना मेरे को, तो ये तो हर बार चेहरा छुपाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसको। अभी और है देखो सामने देखो, हाँ यार मतलब अभी है ना गर्मी, शाम का टाइम हो गया, पूरा ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है, तो जल्दी से पानी वानी पी लेते हैं। पानी वानी तो पी लिया और अब चलते हैं जल्दी से घर पे क्योंकि रानू को चल के खाना ही बनाना है, और वैसे खाना तो बनाना ही है पर सब्जी मेरे को बनानी है। अभी पहुंच गए और गुन्नू से मेरे पापा उधर बैठे बैठे राम राम कर रहे हैं, गुन्नू हंस रही है। और इधर जो है ना ये वो वाला और ये गेहूँ है जो कि खेत से निकल के यहाँ पे डाल रखे हैं, और पापा और वहाँ बैठे बैठे राम राम कर रहे हैं गुन्नू से। तो फिलहाल चाय वाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस सूरज पूरा अस्त हो चुका है और फिलहाल रानू कॉफ़ी पी रही है और गुनगुन है जो कि लहसुन छील रही है और सब्जी की तैयारी चल रही है। मैंने अभी फिलहाल चूल्हा जला दिया है और लवी कर रही है एंजॉय, इसको मोर वगैरह दिख रहे हैं। और सूरज बिल्कुल अस्त हो चुका है पूरा शानदार, कंप्लीट चूल्हा जलने के बाद वो अपन को बनानी है सब्जी। तो इधर प्याज और मिर्ची वगैरह सब कट कर दिए, तो चूल्हा जलने देते हैं। तो यार है ना चूल्हा उल्ला जल गया और मैंने कढ़ाई पे तेल भी रख दिया, और इधर से क्या है ये पनीर जो है मैंने कट कर दी, और रानू अभी आटा वाटा लगा रही है, और गुन्नू के उधर खाट मैंने लगा दी, तो गुन्नू अभी जो भी है कटवट कर रही है धनिया वगैरह और सब काम कर रहे हैं। यहाँ पे लवी है पानी भर रही है उसमें से, और ये देखो इतनी सी देर में बिल्कुल नाइट होने लगी हल्की हल्की सी। तो इधर चूल्हा तो मैंने जला दिया था पर इसमें ख़त्म होगी, तो मैं वहाँ से चल के जल्दी से लकड़ी लेके आता हूँ कि नहीं तो वापस से बड़ी मुश्किल से तो चूल्हा जला है वापस से बंद हो जाएगा। यहाँ से एक दो लकड़ी निकाल लेते हैं, खाना वाना भी बन जाएगा। तो अभी रानू है जो आटा लगा रही है क्योंकि पूड़ी वूड़ी बनानी है, और चूल्हे पे मैं लगा देता हूँ लकड़ी ताकि ये बंद नहीं होएगा। तो चूल्हे पे लकड़ी भी लगा दी, तो जल्दी से मैं सब्जी वब्जी बना लेता हूँ। तो यार गाइस है ना आटा वाटा लग चुका है और फिलहाल अभी मसाला पक रहा है, पनीर यहाँ पे फ्राई होकर रखी हुई है, और रानू जो है बर्तन साफ कर रही है, और गुन्नू लवी उधर खेल रही है। तो सब्जी वब्जी बना लेते हैं क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल देखो अंधेरा हो गया। तो हाँ लवी कैसा लगा तेरे को आके यहाँ पे गांव में, कैसा लगा गांव में? अच्छा बूंदी में अच्छा था ना, तो तेरे को बूंदी में तो पता है दुकानें मिलती है, यहाँ पे गाँव में तो तेरे को पता है यहाँ पे मोर मिल गए। तेरे को कितने मोर मिले यहाँ पे? तीन तीन मोर मिले। कितने पास से देखे तूने? तो वहाँ बूंदी में थोड़ी ना मिलते हैं, यहाँ तो भैंसे भी है, कितनी सारी भैंस है, एक भैंस हो रही बर्तन साफ कर रही। अच्छा नहीं लगा ना यार लभी तेरे को तो नहीं लगा, क्योंकि गांव ऐसा ही हम लोगों को अच्छा लगता है गांव। तो भाई यार इसका है ना ये गांव में फर्स्ट बार आई है लभी, और वैसे गुन्नू भी फर्स्ट बार आई है, और गुन्नू को देख लो ये चेहरा छुपा रही है, पर देखो अपने जो चने ना सीखे वो खा रही है चेहरा छुपा के, तो गांव का तो ये फुल आनंद ले रही है बोल नहीं रही, और वैसे लवी भी खेल रही है लवी को अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल इनको एंजॉय करने देते हैं और सब्जी वब्जी मसाला पक रहा है, तो सब्जी बना लेते हैं फिर मिलते हैं। गाइस फाइनली मटर पनीर की सब्जी मैंने बना के कंप्लीट कर दी है, और अब इधर निकलेगी पूड़ी, रानू और गुन्नू लवी पूड़ी निकालने के लिए बैठ गए, तो फिलहाल इनको निकालने देते हैं और सब्जी को ढक देते हैं।
तो गाइस खाना आ चुका है, पूरी रानू और गुन्नू ने बनाई है। सब्जी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मैंने बनाई है, और रानू और लवी और गुन्नू सब खाना खाने बैठ गए, सब खाना खा रहे हैं। तो जल्दी से खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। लवी टेस्ट किया, गुन्नू से बताना सब्जी कैसी लगी। मस्त लगी ना मोटी, तू बता सब्जी कैसी लगी। अच्छी लगी ना, क्योंकि मैंने बनाई है, ठीक है, तू टेस्ट कर जल्दी से। तो गाइस सब खाना खाने लग गए, तो जल्दी से खाना शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज ये दूसरा दिन और सुबह सुबह का टाइम है, तो फिलहाल अभी गुनगुन और लवी सो रही है, रानू उठ चुकी है, मैं भी उठ गया। और देखो अभी सूरज भी नहीं उगा है, तो पापा भी उठ चुके हैं वहाँ पे, और लवी और गुनगुन तो क्यों लवी, सर्दी लगी थी कि रात में, हाँ लगी ना, सिटी नहीं है, गाँव है। तो गाइस सब उठ के और अभी जा रहे हैं हम खेतों में, क्योंकि रानू ने, हमने तो खेत देख रखे, गुन्नू ने और लवी ने खेत नहीं देख रखे, तो इनको चलते खेत दिखाते। और लवी को ना रात से जिद कर रही थी लवी की, मेरे को झूले में झूलना है, चल ठीक है। अरे इस तार से बच के देखो, तो ये है ना करंट का तार है, मतलब यानी कि, और यार इधर से तो निकलने में दिक्कत हो जाएगी। तो यार है ना यार, ये जो करंट है ना झटका मशीन का करंट है, मतलब अभी फिलहाल इसमें करंट छोड़ रखा है, क्योंकि ये गाय भैंस आती है, प्याज व्याज है इस वजह से, तो इधर होके यूँ होके निकल के और यूँ होके ऐसे आएंगे। चलो लेट्स गो, लगा मत लेना। लवी पहली बार चल रही है ना ऐसे खेतों में, क्योंकि लवी तो है ना खेतों में फर्स्ट बार चल रही है ऐसे, ये कभी खेतों में नहीं चली। तो ठीक है घुमाते हैं रानू को, तो वैसे मैंने घुमा रखा है इधर खेतों में। ये क्या है लवी, गुन्नू क्या है ये, नहीं ये तो लकड़ी है, हाँ ये लकड़ी, ये क्या है क्या बता, प्याज है प्याज, हाँ ये जैसे वो दिख रहे ना वो देखो प्याज। तो गाइस फाइनली लवी का झूला आ गया, जो कि लवी जिसके लिए आई थी, है ना, इसके लिए आई थी ना लवी, और जल्दी जल्दी चल रही, देख लो इसको, चलो जल्दी से। लवी रुक गया। तो गाइस इस लवी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और ये जबरदस्ती इसको बैठाएंगे, ये आप झुलाओ इसको, झुलाओ झुलाओ लवी, झुलाओ, 2 मिनट डर लगेगा, नहीं लगेगा, ये मजा आ रहा है लवी, निगिरे निगिरे बेटा, निगिरे निगिरे, इधर कर ले पैर, इधर कर ले सीधा, निगिरे हमें ना यार, देखना लवी उधर जा, मैं भी बैठ सकता हूँ। अरे इधर से छोटी नीचे निकल जाएगी यार, उसको सीधा करो, उसको उसके पैर उधर करके, उधर उधर करके उसके पैर, अरे कुछ नहीं होता, देख वो बैठ गए, वो बैठ गए बस, हैप्पी, ये भी इसके साथ बच्चे हो रहे, देख लवी आराम से देखना, लेट के झूलेंगे, झुलाओ इनको, नहीं लग रहा उसको, नहीं आटा कर रही हो लवी, सीधे कर ले पैर, चलो एक झूला लगाओ हमारे, गिर जाएगी ऐसे, पैसे निकले क्या है लवी, ऐसे बैठ, अब देखना ये, अरे निकले, मैंने पकड़ रखा है ना, मजा आ रहा है यार, पहले होता मजा आ रहा है। तो भाई छोटे बच्चे के साथ मैं अभी फिलहाल छोटा बच्चा बन रहा हूँ, और हम झूला झूल रहे हैं, ऐसे झूले में बैठा हुआ हूँ, लवी बैठी हुई है, मैं भी बैठा हुआ, और इधर देखो, और वो देखो रानू मेरे को झूला लगा रही है, मैं अबे मेरे को मोटा पाड़ा बना दिया, मतलब ये देखो पूरा इसमें पेड़ पे लगा हुआ है, नीम का पेड़ उसमें झूला लगा हुआ है। तो भाई छोटी बहन को बड़ी बहन झूला लगा रही है, और ये ना लवी ना डरती है, क्योंकि हमारी जो गुन्नू है ना, आप लोगों ने देख रखा होगा, हाँ ज्योति भाभी जी गुन्नू, तो उसको तो क्या डर नहीं लगता, उसको तो चाहे कितना भी झूला लो, और उसका तो ये झूला फेवरेट है, हाँ। और अभी लवी झूला झूल रही है, इधर दर्शक खड़े हुए देख रहे हैं, और घर मैंने दिखा रखे वहां पे रह गए। तो भाई इनकी कठिन परिस्थिति जो भी है गांव में ली जा रही है, क्योंकि रास्ता नहीं है, उधर होके आते तो उधर करंट छोड़ रखा है, तो उधर मतलब ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो शॉर्ट में निकल रहे इधर होके, उधर से आया शॉर्ट में, तो इनको इधर होके निकाल रहा हूँ, क्योंकि रास्ता नहीं है, देख सकते हो आप लोग, आ जाओ धीरे धीरे निकलो, गिरना मत गिरना मत, ठीक है। गुन्नू पास हो गई, और अब लवी आ जा मोटे, आ जा उसको भी निकालो बेचारी को, अरे मत आके निकाल मेरी तरफ लवी आ गई ना, गिरना मत लगाना मत, ठीक है। तो वैसे रानू को निकलना नहीं आ रहा, फिर धीरे धीरे करके रानू भी निकल चुकी है, और गुन्नू और निकल के वहां पे पहुंच गए, ठीक है आ जा। तो गाइस देखो कुलदीप भैया तो है नहीं, तो अब मैं पानी वहां से मेरे साथ आनी हो चरा उठ के, इसलिए मेरे अभी बेचारे पानी लेके आ रहे वो कैसे भग भग के आ रहे, उठ नहीं रहे क्या आपसे ये दोनों एक साथ उठ नहीं रहे क्या, हाँ मैं दो मुझसे अकेला नहीं उठता वो चरा बेचारे। गाइस देखो मेरी कितनी हेल्प करते, थैंक यू अभी
थैंक यू और फिलहाल हम आ चुके हैं और रास्ते पे रुक रहे क्योंकि बूंदी के लिए जा रहे हैं, तो पानी वानी पीना था लवी को, जल्दी से अब निकलते बूंदी। हम पहुंच चुके हैं बूंदी और हमारे रूम पे, और अभी फिलहाल रालू भी नहा धो के तैयार हो गई है और इसको क्या है नोट्स वगैरह बनाने, प्रैक्टिकल चल रहे कॉलेज में, तो ये जा रही है फिलहाल बुआ के घर इनके साथ, गुन्नौर के लवी और के साथ। तो अभी फिलहाल ये फाइल वगैरह ले रही है, तो जल्दी से चलते हैं और इनको बुआ के घर ड्रॉप करके आते हैं। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।